हमने भी एक इनिशिएटिव ऐसा लिया कि लेट्स हम लोग ने थोड़ा एक पोस्ट लिखकर हमने अपना थोड़े थोड़े कुछ हैंडल्स पे डाल दिया. फिर डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग उन्होंने हमें अप्रोच किया कि पहले तो ये कॉल्स आ रही थी कि ये जेन्युइन है कि ये झूठ है, तो हम लोगों ने बोला नहीं जेन्युइनली है, ऐसा है. तो आहिस्ता आहिस्ता से यस्टरडे मॉर्निंग से अभी तक मैं समझती हूँ हमारे पास कम से कम 800 से 900 कॉल्स आती होंगी पूरे दिन में, जिनको सिर्फ किसी को हेल्प चाहिए, कोई पैनिक है, किसी को पैसे चाहिए, किसी को ट्रैवल करना है. तो ज़्यादातर हम लोगों ने पहले सोचा था कि जो लोग अभी ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं है, तो उसमें अगर हम लोगों की कुछ हेल्प कर सकें, किसी की ट्रैवल टिकट्स है, कैंसिल हुई है फ़्लाइट्स, तो वो लोग के लिए रहने के लिए जगह नहीं थी. तो हम लोगों ने क्या करा कि मैंने गूगल करके ईमेल आईडी निकाला अपने डीसी ऑफिस श्रीनगर का, और वहाँ से मेरे को मेल डाला था एंड आई गॉट ए कॉल फ्रॉम देयर. उन्होंने मुझे कॉल करके एक नंबर दिया जो वहाँ के नोडल ऑफिसर थे. उन्होंने बोला कि मैंने उनको सिर्फ ये बोला, मैंने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फैमिली फ़ोन करती है कि उनको दिल्ली में हेल्प चाहिए, आप उनको मेरा नंबर दे सकते हैं. तो उन्होंने वहाँ से बोला हम सर्कुलेट कर लें आपका नंबर. मैंने कहा हाँ, आप मुझे बताइए अगर कश्मीर में भी कुछ हेल्प चाहिए, वी हैव वॉलंटियर्स देयर ऑल्सो. तो उन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर में हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली में हेल्प कर सकते हो तो फिर हम आपका नंबर सर्कुलेट करेंगे. हमारे ये सोशल मीडिया पे मैसेज आ गए कि MCLF NGO ये हमारी मदद कर रही है, सो हमने इन पे कांटेक्ट किया. देयर इज अ मैम, सबा मैम विच हेल्पड अस, विच गेव अस, उन्होंने हमें अकोमोडेशन अच्छे से दिया, हमें सब कुछ मिला सर. बट लेकिन हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, मोदीबाना गुजारिश है कि हमें अपने हम दिल्ली में 150 प्लस पीपल आर स्टे कर रहे हैं, लेकिन हमें आप प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ हमें आप कश्मीर भिजवाइए. हमें ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर से भी ये गुजारिश है, मोदीबाना गुजारिश है कि हम यहाँ बहुत सफ़र कर रहे हैं, हमें आप प्लीज़ और प्लीज़ एंड प्लीज़ हमें आप कश्मीर वापस बुलाने का कोई बंदोबस्त कीजिए.